नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने जूलॉजी में बीएससी थर्ड ईयर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में एंडोक्राइनोलॉजी का 15 पार्ट यानी 15वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर टॉपिक चल रहा है बुक के अंदर कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, इनके बारे में आपने देखा था, और उसके बाद में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती है उसके बारे में अपने पढ़ने का प्रयास किया था, पढ़ना शुरू किया था। आज अपने जो पहली ग्लैंड पढ़ी थी इससे पहले, इस क्लास से पहले, वो थी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद में सेकंड जो अपनी ग्लैंड है एंडोक्राइन वो है थायराइड ग्लैंड। कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जिसको अवटू ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवटू ग्रंथि भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि, मैंने कल बताया था इसका एक, मैं आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देता हूँ। थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और जो ये ग्रंथि है इसका जो वजन होता है इसका 30 ग्राम होता है, और इस ग्रंथि में प्रति घंटा 5 लीटर रक्त की सप्लाई होती है। अब आप देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा रक्त की सप्लाई होती है तो इतनी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, और सबसे बड़ी बात ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करने में क्या होती है, सहायक होती है। या यूँ कह दें कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है वो शरीर में उपापचयी क्रियाओं को जारी रखने के लिए, शरीर की बेसिक मेटाबॉलिक रेट है उसको जारी रखने के लिए इस हार्मोन का, इस ग्रंथि के थायराइड ग्रंथि के थायरोक्सिन हार्मोन का होना आवश्यक है। अब देखिएगा स्टूडेंट, हम पहले इसके सामान्य संरचना के बारे में बात कर लें कि ये जो ग्रंथि है ये पहली बात तो हमारे अंदर जो है एंडोड्रम से, भ्रूणी अवस्था में एंडोड्रम से डेवलप होती है। अब एंडोड्रम क्या है ये आप 11th-12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भ्रूणी अवस्था के अंदर 3 स्तर बनते हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम। उसमें एंडोड्रम जो लेयर है भ्रूणी अवस्था में उससे इस ग्रंथि का निर्माण होता है। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि ये जो ग्रंथि है ये ग्रंथि प्रोटोकॉर्डेट के अंदर एक एंडोस्टाइल संरचना होती है। प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर एक एंडोस्टाइल संरचना पाई जाती है, एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल क्या है? यानी उसके समजात अंग है ये। एंडोस्टाइल के समजात अंग है कौन? थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड तो जैसे मनुष्य के संदर्भ में हम पढ़ते हैं तो मनुष्य के अंदर पाई जाती है, परंतु प्रोटोकॉर्डेट जितने भी उनके अंदर एक एंडोस्टाइल संरचना पाई जाती है, उसके समझात अंग है। एंडोस्टाइल क्या होता है ये मैं बता देता हूँ कि जो प्रोटोकॉर्डेट होती है उनकी फेरिंग्स जो होती है एक टोकरी नुमा होती है, उसके अंदर बहुत सारे गिल स्लिट्स होते हैं। तो उस जो फेरेंजियल बास्केट होती है या ब्रेंकियल बास्केट जो होती है इसकी फेरिंग्स को, प्रोटोकॉर्डेट में फेरिंग्स को ये नाम दिया जाता है फेरेंजियल बास्केट या ब्रेंकियल बास्केट। तो उस बास्केट यानी उस फेरिंग्स की फर्श भाग में एक खांच पाई जाती है, और उस खांच के अंदर 4 प्रकार के सीलिया लगे रहते हैं। तो उस संरचना को हम क्या कहते हैं? एंडोस्टाइल कहते हैं। और चूंकि हमारे अंदर इसको उसके समान क्यों कहा गया है, उसका रीज़न ये है क्योंकि इसका जो उद्भव है एंडोड्रम से तो होता है, परंतु ये हमारे अंदर भी क्या है फेरिंग्स के एक आउटग्रोथ के रूप में डेवलप होती है। तो फेरिंग्स की आउटग्रोथ के रूप में डेवलप होने के कारण ही इसको प्रोटोकॉर्डेट के एंडोस्टाइल के समझात अंग माना गया है। अब यदि हम मनुष्य के अंदर यदि इसकी बात करें कि स्थिति कहाँ होती है, तो मनुष्य के अंदर ये जो भाग होता है अपना, ये जो कंठ वाला भाग है यहाँ पर इसकी स्थिति होती है। जैसे अपने अगर थोड़ा सा देखें, ये हमारा लैरिंग्स है, सौर यंत्र है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो कंठ वाला भाग है वहाँ पर ऊपर लैरिंग्स है, लैरिंग्स के नीचे की ओर थायराइड और क्रिकोइड कार्टिलेज होती हैं। थायराइड और क्रिकोइड कार्टिलेज उसके ठीक पास में, नीचे की ओर पास में एच आकार की ग्लैंड होती है। एच आकार की ग्लैंड होती है, कौन सी? थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड होती तो एक ही है, आप देख रहे हैं पूरी ग्लैंड, ये जो मैंने ब्लैक कलर से की है ये थायराइड ग्लैंड है। और थायराइड ग्लैंड के दो लोब होते हैं, पालियां होती हैं दो, एक ये पाली और एक ये पाली, दो लोब हो गए। दोनों लोब जो है वो एक संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े रहते हैं, उस संयोजी ऊतक को क्या कहा जाता है? इस्थमस कहा जाता है। यानी अपने थायराइड ग्लैंड को देखें तो इस प्रकार की संरचना होती है लगभग एच आकार की, ये इस कारण इसको क्या कहा गया है? एच आकार की संरचना। और ये जो इस्थमस भाग है ये इस लोब और इस लोब को जोड़े हुए रखता है, तो संयोजी ऊतक होता है ये। और नीचे की ओर ये क्या है, इसके ट्रेकिया है।
अब देखिएगा कि पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो मैंने यहाँ शो कर दी, जो अगली ग्लैंड हम पढ़ेंगे भी, अगली ग्लैंड जो है उसको हम पढ़ेंगे भी, ये कौन सी होती है, पैराथायराइड ग्लैंड से होती है जो थायराइड के पास ही स्थित होती है। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि थायराइड जो ग्लैंड है इसके द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं। ये पहला हार्मोन तो अपने थायरोक्सिन, जो सुनते आ रहे हैं हमेशा से कि इनके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, दूसरा जो हार्मोन है वो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन होता है। उसका काम क्या है कि वो हार्मोन पैराथार्मोन हार्मोन की विपरीत कार्य करते हुए शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फेट जो आयन्स हैं उनका नियमन बनाए रखता है। कौन? थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम में अपने जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, ये शब्द अगर अपने जोड़ दें सही रहेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका जो वजन है वो 30 ग्राम होता है और सबसे ज़्यादा रक्त की सप्लाई लगभग 5 लीटर ब्लड जो है पर आवर इसके अंदर जाता है। अब उसका रीज़न क्या है, क्योंकि चूंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन को ये कंट्रोल करती है, तो इसलिए क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म के लिए हमें थायरोक्सिन हार्मोन बार बार चाहिए, तो उसके लिए क्या है रक्त स्प्लाइस में ज़्यादा होते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसका निर्माण जो है वो आयोडीन से होता है, और जो हम आयोडीन खाते हैं वो आयोडीन रक्त में जाता है, रक्त से ये ग्रंथि क्या करती है अलग करती है, उसके द्वारा फिर उस आयोडीन से टायरोसिन एमिनोमल जुड़ करके थायरोक्सिन का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं वो अपने आगे देखेंगे। तो ये इन दोनों ही कारण से कि एक तो ये उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करती है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट की जो जिम्मेदार होती है ये ग्रंथि, और दूसरा इस ग्रंथि के द्वारा बनने वाले थायरोक्सिन के लिए रक्त में मौजूद आयोडीन चाहिए, तो इसके लिए रक्त की सप्लाई इसके अंदर क्या होती है ज़्यादा होती है। अब यदि इस ग्रंथि को हम बाहर निकाल के इसका यदि हम सेक्शन काट के देखें, तो सेक्शन काटे उससे हम इसकी ग्रंथि की जो यो कह सकते हैं संरचना वो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी। तो संरचना के लिए अगर इसमें देखें तो ये इसकी संरचना होती है। इसके अंदर अपने को दो संरचनाएं दिखाई दे रही है, एक तो ये बड़ी फूली संरचना जिनको हम फोलिकल्स या एसिनी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फोलिकल्स या एसिनी भी कह सकते हैं, और एक ये छोटी छोटी बीच में संरचनाएं जिनको हम क्या कह सकते हैं पैराफोलिकुलर सेल या सी सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये दोनों ही संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो अपना एसिनी जो होती हैं या फोलिकल्स होते हैं ये उपकला कोशिकाओं से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं, उपकला कोशिकाओं से, गंडाकार उपकला कोशिकाओं से बने होते हैं, और इन पुट्टक या इन फोलिकल्स या इन एसिनी के बीच में एक पीले रंग का द्रव भरा रहता है जिसको कहा जाता है थायरोग्लोबुलिन। क्या कहा जाता है कि थायरोग्लोबुलिन, जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, कोलाइडी पदार्थ होता है, कौन सा द्रव जो इन पुटकों के अंदर भरा हुआ होता है, और इन पुटकों का निर्माण उपकला घनाकार उपकला कोशिकाओं से होता है। और देखिएगा कि ग्रंथि के अंदर यहाँ पर संयोजी ऊतक भरा रहता है, इस संयोजी ऊतक को हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रोमा कहते हैं, जो संयोजी ऊतक इन पुटकों के बीच में पाया जाता है, और पुटकों के बीच बीच में पैराफोलिकुलर सेल या सी सेल्स पाई जाती है, और बीच बीच में क्या पाई जाती है, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। अब चूंकि ब्लड कैपिलरीज जो हैं उनका काम आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो है ब्लड कैपिलरीज जो हार्मोन बनते हैं इनको पूरे शरीर में ले जाने का काम करते हैं, और साथ में यहाँ जो आयोडीन की जो कमी है उसको भी यहाँ पर पूरा किया जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि इन पुटकिकाओं का क्या काम है, फोलिकल्स का क्या काम है, एसिनी का क्या काम है, तो यहाँ पर भरा हुआ आयोडोग्लोबुलिन या थायरोग्लोबुलिन एक ही बात है, वो एक कोलाइडी पदार्थ होता है, यहीं पर जो है थायरोक्सिन का निर्माण होता है। अब थायरोक्सिन को अपने सामान्य भाषा में थायरोक्सिन कहते हैं, इसके द्वारा जो हार्मोन बनता है उसको हम थायरोक्सिन कहते हैं। एक्चुअली थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनके इसके द्वारा T3 और T4 हार्मोन बनते हैं। थायराइड ग्लैंड के द्वारा कौन से हार्मोन बनते हैं, T3 और T4। T3 को कहते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन, और ये तो है T3, और टेट्रा आयोडो थायरोनिन ये है T4। T4 और T3 की यदि बात करें तो T3 अधिक सक्रिय होता है और T4 क्या होता है इसकी तुलना में कम सक्रिय होता है, परंतु ज़्यादा बनता है T4,
और T3 जो है आगे जाकर के T4 में चेंज हो जाता है और T4 को ही हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, जो कि अपने उपापचय क्रियाओं को जारी रखने के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है। उसके अलावा शरीर के वृद्धि विकास के लिए भी ये कहीं ना कहीं अपने को काम में आता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन का मतलब T4 हार्मोन होता है। अब देखिएगा यहाँ पर ट्राई आयोडोथायरोजिन, यदि टायरोसिन एमिनोमल के साथ आयोडीन के 3 अणु जुड़ते हैं तो उसको ट्राइआइडो कहते हैं, यदि 4 जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं टेट्राइडो। इसका यू कह सकते हैं T3 और T4 का निर्माण कैसे होता है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे या नेक्स्ट टॉपिक के रूप में अपने देखेंगे, परंतु यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं। तो T3 और T4 का निर्माण जो है इस कोलाइडिक पदार्थ के द्वारा होता है। यहाँ पर 2 चीज़ मौजूद होती है, एक तो क्या होता है रक्त के द्वारा अलग किया हुआ आयोडीन, और दूसरा क्या होता है यहाँ पर टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल मौजूद होता है। वो दोनों मिलकर के T3 और T4 का निर्माण करते हैं और रक्त की सप्लाई करने के लिए यहाँ ब्लड कैपिलरीज होती है। और इनके बीच बीच में देखो एसिनी की संख्या ज़्यादा होती है, फोलिकल्स की संख्या क्या होती है ज़्यादा होती है, कार्मी भी बड़ी होती है और इनमें द्रव रहता है। उनके बीच बीच में जो संयोजित होता है उसके बीच बीच में पैराफोलिकुलर सेल या सी सेल्स पाई जाती है, जिसकी खोज जो है हेराल्ड कूक ने की थी। और ये जो कोशिकाएं संख्या में कम होती हैं और बीच बीच में होती है, इनके द्वारा जो है कैल्शियम और फास्फेट का जो समन्वय है वो बनाए रखा जाता है। और पैराफोलिकुलर सेल के द्वारा जो स्त्रावित हार्मोन है उसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, क्योंकि इन फोलिकल्स के द्वारा T3 T4 बनते हैं और पैराफोलिकुलर सेल्स के द्वारा थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन बनता है। और थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो सीरम में कैल्शियम के लेवल को घटाने का काम करता है, यानी सीरम जो होता है यानी ब्लड का जो भाग होता है उसके अंदर कैल्शियम का लेवल उसको घटाने का काम करता है। और ये जो हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन पैराफोलिकुलर सेल के द्वारा थायरोकैल्सिटोनिन स्त्रावित होता है, ये जो है कैल्शियम का लेवल जो है कम करता है सीरम में। और ये PTH हार्मोन पैराथार्मोन हार्मोन के विपरीत कार्य करता है, कौन सा पैराफोलिकुलर सेल का थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। तो ये इसकी क्या होगी एक जनरल स्ट्रक्चर होगी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो कंट्रोल है उसको कंट्रोल कैसे होता है। तो कंट्रोल की यदि हम बात करें तो आपको ये मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सब का कंट्रोल मास्टर ग्लैंड यानी कि हमारी एडिनो मतलब यूँ कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है मास्टर ग्लैंड, और मास्टर ग्लैंड का कंट्रोल करती है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो उस चीज़ को आप समझ रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर, साथ में यहाँ पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक जो है वो भी समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस द्वारा क्या होता है कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जैसे सीक्रेट होगा, अच्छा हाइपोथैलेमस कब सक्रिय होती है, जैसे ही बॉडी के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट है या जो शरीर के लिए आवश्यक उपापचय क्रियाएं हैं उनके अंदर यदि कमी होती है या वो थोड़ी लो हो जाती है तो उस समय हमारी हाइपोथैलेमस क्या हो जाती है सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होकर के थायराइड रिलीजिंग हार्मोन स्त्रावित करती है, और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है ये क्या करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी आपको मैंने बताया था एडिनोहाइपोफाइसिस के पास आता है। एडिनोहाइपोफाइसिस के पास आकर के ये यानी एडिनोहाइपोफाइसिस के दो या पिट्यूटरी ग्लैंड के दो उसको सक्रिय करता है, और वो सक्रिय होते ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्त्रावित करती है। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये हार्मोन जो है सक्रिय होकर के ये थायराइड ग्लैंड के पास आता है। थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन स्त्रावित करती है T3 और T4। T3 का अर्थ मैंने बताया था ट्राइआयोडोथायरोनिन और T4 का पूरा नाम क्या है टेट्राआयोडोथायरोनिन। अब T3 और T4 दोनों ही बनेंगे। T3 अधिक सक्रिय होता है परंतु मात्रा में कम बनता है। T4 क्या होता है कम सक्रिय होता है परंतु मात्रा में क्या बनता है ज़्यादा होता है। T4 लगभग 65-70% बनता है और T3 भी आगे जाकर के T4 में चेंज हो जाता है, और T4 को ही हम क्या कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। और थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो शरीर की वृद्धि विकास है उपापचय क्रियाएं उन सब के लिए जिम्मेदार होता है। अब यदि हम स्टूडेंट्स बात करें कि ये हमारी जो थायराइड ग्रंथि है ये कुछ अन्य जंतुओं में भी पाई जाती है, जैसा कि मैंने प्रोटोकॉर्डेट में आपको बताया कि प्रोटोकॉर्डेट के अंदर ये एंडोस्टाइल के समजात अंग हैं। उसके अलावा ये जो साइक्लोस्टोमेटा जो जंतु हैं उन जंतुओं के अंदर ये जो थायराइड है वो गर्सनी के फर्श पर धसा रहता है। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर क्या है ये प्रोटोकॉर्डेट में कॉर्डेटा में ये एंडोस्टाइल के समजात है,
और जो कि फेरिंग्स या दो या ब्रेंकियल सैक है, तो उसके फर्श पर पाया जाता है, फर्श में पाया जाता है। साइक्लोस्टोमेटा है, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा का मतलब ये होता है कि जिनके अंदर मुख गोलाकार होता है, जैसे मिक्जीन है, एम्फियोक्सिस है, इनके अंदर क्या होता है साइक्लोस्टोमेटा के अंदर, ये जो थायराइड पुटक है गर्सनी के फर्श में धसे रहते हैं, थायराइड फोलिकल्स फेरिंग्स के फर्श में धसे रहते हैं, फर्श में धंसे रहते हैं साइक्लोस्टोमेटा, जैसे अपने मिक्जाइन हैं, इनके अंदर ये फर्श में धंसे रहते हैं। और जो अपनी कॉन्ट्रैक्टाइल मछलियाँ होती है, लास्मोब्लैंक मछलियाँ, इनके अंदर ये अधर धमनी कांड जो है उसके और ब्रैंकियल धमनियों के विभाजन स्थल पर पाए जाते हैं। धमनी कांड व ब्रेंकियल धमनी के संयोजन स्थल पर पाई जाती है, संयोजन स्थल पर पाई जाती है, पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल मछलियां जो उनको उपास्थल मछलियां कहते हैं, जिसके अंदर अपने जो है कोर्डेटा जो क्लास है उसके अंदर अपने पड़ के आए हैं, अपनी कुत्ता मछली या स्कोलियोडोन उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनके अंदर क्या है ये धमनी कांड और ब्रैंकियल धमनियों के विभाजन स्थल पर पाई जाती है। एम्फीबियंस में ये युग्मित होती है और सरीसृप में ये क्या होती है एकल होती है, एम्फीबियन में ये पेयर्ड होती है यानी जोड़े के रूप में होती है, जबकि रेप्टाइल्स में सिंगल होती है, सिंगल होती है। और दोनों में ही जो है हर्ट के आगे की ओर स्थित होती है, और स्थित होती है आगे की ओर स्थित होती है। तो एम्फीबियन जैसे मेंढक वगैरह और रेप्टाइल्स जिसमें अपने सांप छिपकली यहाँ इनकी बात हो रही है, और स्तन ग्रंथियों के अंदर ये स्तनधारियों के अंदर यदि हम बात करें मैमेलिया के अंदर, मैमेलिया में ये बाइलोब्ड होती है, ग्लैंड तो एक ही होती है, और कंठ भाग में पाई जाती है, कंठ भाग में पाई जाती है। अब देखिएगा कि अलग अलग ग्रंथों में इसकी जो स्थिति है उपस्थिति है वो दोनों ही क्या इसमें अलग अलग है। तो अपने जो थायराइड ग्लैंड है इसकी यदि अब हम बात करें कि ये इसके कार्य क्या क्या है, तो थायराइड ग्लैंड जो है ये पहला जो है प्रभाव अपना वो उसका अपने वैसे तो कल करेंगे इसमें डिटेल में बात, परंतु मैं थोड़ी आउटलाइन बता देता हूँ कि थायराइड ग्रंथि जो है इसका जो पहला प्रभाव है ये जो है कैलोरोजेनिक प्रभाव रखती है। कैलोरोजेनिक का मतलब क्या होता है कि इस हार्मोन की उपस्थिति में जो है ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की खपत बढ़ेगी तो ऊर्जा का निर्माण क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो इसका पहला कार्य तो ये है कि कैलोरोजेनिक प्रभाव होता है, और जिससे क्या होता है बेसिक जो अपनी मेटाबॉलिक रेट है वो भी क्या हो जाती है बढ़ जाती है। उसके अलावा ये जो हार्मोन है ये कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के उपापचय को भी बढ़ाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का उपापचय यदि बढ़ेगा तो जिससे ऊर्जा बनेगी, तो जिससे हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उसके अलावा हृदय पेशियां हैं, यकृत और वृक्क जो है उनके अंदर ऊष्मा का उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि ये हमारी जैसे पेशियों की बात करें तो इनको अपने को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए ऊर्जा चाहिए। तो पहला प्रभाव इसका क्या रहता है कैलोरोजेनिक रहता है। कैलोरोजेनिक का मतलब क्या है ये ऑक्सीजन खपत को बढ़ा देता है जिससे ऊर्जा का निर्माण अधिक से अधिक होता है। उसके बाद में एक बात और मैं बता देता हूँ कि ये जो कैलोरोजेनिक हार्मोन है तो कैलोरोजेनिक हार्मोन होने के कारण क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन की खपत बढ़ेगी ऊर्जा निर्माण होगा तो जो समतापी जंतु हैं उनके अंदर क्या होता है उष्मा भी बनती है, उष्मा जब बनेगी तो जिससे शरीर का जो तापमान है वो भी नियमित रखने में ये हार्मोन सहायता करता है। दूसरा काम जिसका है तापमान नियमन है। अब तापमान नियमन की यदि हम बात करें तो अभी मैंने बताया कि जैसे ही ऑक्सीजन की खपत बढ़ेगी तो ऊष्मा निर्माण होगा, ऊष्मा निर्माण जब होता है तो तापमान नियमन भी होगा।
अच्छा, अब मैं ये बताता हूँ कि जो अपने समतापी जंतु है उनके अंदर तो ये बात लागू होती है, लेकिन जो असमतापी जंतु है, इन असमतापी जंतुओं में क्या होता है कि ये ग्रंथि जो है केवल ग्रीष्म शीत निष्क्रियता में अपनी यूँ कह सकते हैं सक्रियता को दिखाती है, या यूँ कहते हैं कि असमतापी जो जंतु है जैसे मेंढक है, कुछ रेप्टाइल्स हैं, इनके अंदर क्या होती हैं कि ये केवल शीत अवस्था में, क्योंकि शीत अवस्था के अंदर क्या होता है कि तापमान शरीर का कम हो जाता है इनके, और कम अगर हुआ जैसे जंतुओं के शरीर का तापमान, तो ये शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? शीत निष्क्रियता में। शीत निष्क्रियता में जैसे जाते हैं तो उस दौरान ये थायराइड ग्रंथि सक्रिय होकर के इनके अंदर ऊष्मा का उत्पादन करते हैं, जिससे इनके शरीर का तापमान क्या हो जाता है? सामान्य हो जाता है। और सामान्य होते ही क्या होगा कि इनके जो एंजाइम है वो सक्रिय हो जाते हैं, जिससे जंतु अपने को एक्टिव दिखाई देते हैं। उसके अलावा ये जो तीसरा जो कार्य है इस ग्रंथि का वो है इलेक्ट्रोलाइट और जल। इलेक्ट्रोलाइट यानी और जल का मतलब क्या है कि ये जो ग्रंथि है ये क्या करती है कि शरीर के अंदर सोडियम और क्लोराइड जो है उसके अवशोषण को बढ़ाती है, यानी कि जो अपने एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूड होता है उसके अंदर ये सोडियम और जो अपने क्लोराइड है उस आयनों की सांद्रता बढ़ा देती है। साथ में क्या करती है ये ग्रंथि जो है कैल्शियम जो आयन है उसका मूत्र के रूप में और मल के रूप में जो है उत्सर्जन उसको भी बढ़ा देती है। उसके अलावा ये हार्मोन या इस ग्रंथि का जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये जो है जनन पर भी प्रभाव डालता है। जनन पर क्या प्रभाव डालता है कि ये जो है लैंगिक परिपक्वता के लिए, सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए ये हार्मोन चाहिए, और नर के अंदर वर्षण के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना है, शुक्राणु निर्माण होना है, उन सब के लिए इस हार्मोन का होना आवश्यक है। क्योंकि हमने बात की कि ये ऑक्सीजन खपत को बढ़ाता है जिससे ऊर्जा बनती है। अब जब कोशिका विभाजन होगा चाहे शुक्र जनन में हो चाहे अणजनन में हो, तो दोनों ही क्रियाओं के लिए ऊर्जा चाहिए कोशिका विभाजन होने के लिए। तो उस समय क्या है कि यदि ऊर्जा मिलेगी तो कोशिका विभाजन करके शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होगा, और यदि ये हार्मोन कम होगा तो जिससे नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा और मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाता है, और मादाओं के अंदर जो है रज चक्कर जो है वो इस हार्मोन की कमी से रुक भी जाता है, और इस रोग को कहते हैं एमिनोरिया, और जिस कारण बंधता उत्पन्न हो जाती है, वो अजनन समय हो सकते हैं। क्योंकि शुक्राणु अंडाणु नहीं बनेंगे तो निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो नई पीढ़ी का निर्माण भी नहीं होगा। तो इसलिए शुक्राणु अंडाणु दोनों ही घटनाओं के अंदर क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, क्योंकि एक कोशिका विभाजन की अवस्थाएं होती हैं शुक्र निर्माण और अंडाणु निर्माण के समय, तो उस समय ऊर्जा चाहिए। तो इस थायरोक्सिन हार्मोन का होना आवश्यक, और थायरोक्सिन नहीं होगा तो शुक्राणु अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, जिससे बंधता आ जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि वृद्धि के लिए, ये बात मैंने पहले बताई भी थी आपको कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो शरीर में वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है, ये ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर के शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो उस व्यक्ति बोना रह सकता है, क्योंकि वही बात यहाँ फिर लागू होती है कि जब शरीर के अंदर वृद्धि होती है तो कोशिकाएं विभाजन करती हैं तो उसमें उनको ऊर्जा चाहिए, तो इस हार्मोन का होना आवश्यक है। यदि ग्रोथ हार्मोन बनता रहे, यदि यह हार्मोन नहीं बनता है तो व्यक्ति में बोनापन रह जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, तंत्रिका तंत्र की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। कारण क्या है? क्योंकि ये हार्मोन क्या कर रहे हैं, सोडियम और क्लोराइड जो है उनका शरीर में एक संतुलन बनाए रखता है थायरोक्सिन हार्मोन, और जब हम तंत्रिका तंत्र की हम क्रियाशीलता को देखते हैं तो उनमें आवेग का संचरण आवेश के रूप में होता है। आवेश के रूप में जब होता है तो हमें वहाँ पर सोडियम और क्लोराइड आयन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो सोडियम और क्लोराइड का यदि संतुलन बना रहेगा शरीर के अंदर थायरोक्सिन की वजह से, तो तंत्रिकाएं भी अपना काम सामान्य रूप से करती रहेगी। यदि वो हार्मोन कम बनता है थायरोक्सिन, तो सोडियम क्लोराइड का संतुलन नहीं रहेगा, और जिससे आवेग का संचरण आवेश के रूप में नहीं होता, जिसके द्वारा व्यक्ति मंदबुद्धि हो सकता है। उसके अलावा सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो कायंत्रण पर पड़ता है। कायंत्रण के अंदर क्या हुआ कि यदि टैडपोल लार्वा है, उसकी टैडपोल लार्वा जो कि मेंढक का लार्वा होता है, उस मेंढक के लार्वा का यदि हम थायराइड ग्रंथि को निकाल दे तो उस लार्वा का वयस्क में कायंत्रण या मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता है। एक वैज्ञानिक थे गुडनसेफ, उन्होंने मेंढक के टैडपोल लार्वा पर भी काम किया, मनुष्य की थायराइड ग्रंथि पर भी काम किया। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा टैडपोल लार्वा जिसकी थायराइड ग्रंथि निकाल दी जाए तो उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा तो वो लार्वा जो है वयस्क में नहीं बदल पाएगा। अब यदि उस ग्रंथि रहित लार्वा के अंदर यदि हम थायरोक्सिन का इंजेक्शन लगा देते हैं तो उस लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस शुरू हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस ग्रंथि का प्रत्येक जंतु के अंदर अहम योगदान है। तो आज अपने थायराइड ग्रंथि के बारे में थोड़ा पढ़ा है, कल जो थोड़ा पार्ट आएगा उसके बारे में अपने कल देखेंगे। थैंक यू।